रामचंद्र की जय। जय सिया राम, जय श्री राम। इधर इधर मैडम को खाला, उनको भी आप आओ ना। देखिए आप सब यहाँ पे हैं और आप सब ये साक्षी हैं कि पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। हर जगह फूलों की जो है वो मालाएं लग रही हैं, फूलों से डेकोरेशन हो रहा है, हर जगह यज्ञ हो। हम भी अभी राम भद्राचार्य जी के वहाँ पे जो हनुमान यज्ञ, सामूहिक यज्ञ, कई हजार पंडित जो है यज्ञ कर रहे हैं, वो उसमें हिस्सा लिया। भजन कीर्तन हर जगह चल रहा है, तो सब राममय हो गए हैं और एक तरह से एक ऐसा लगता है सब देवलोक में पहुंच गए हैं। कई सारे लोग नहीं आ रहे हैं, राहुल गांधी कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, उन लोगों ने नकार दिया इस कार्यक्रम को, कह रहे भाजपा का कार्यक्रम है। देखिए उन लोगों ने, अगर उन लोगों के बस की होती तो राम कब का आ जाते, नहीं उनके लोगों के बस की नहीं है, तो राम अब आ रहे हैं, तो उसका भी कोई रीजन है। और हमारे लिए तो ये राममय होने का वक्त है। जिनको नहीं आना है, वो कहते हैं ना कुछ शादियों में कई जो फूफा और चाचा होते हैं ना जो नाराज रहते हैं, तो वैसे फूफा और चाचा बन के रहे, वो नाराज रहे। उधर राहुल गांधी की यात्रा भी शुरू हो गई जी। आपको मुझे अयोध्या आके बहुत ही ज्यादा मेरे दिल को बहुत ज्यादा एक मैं कहूंगी कि इतना ज्यादा अच्छा अनुभव रहा है और बहुत ही सुकून है अयोध्या में। और एक तीर्थ है, बहुत ही जन्मों के पुण्य कर्म होते हैं जो यहाँ पे हमें इस तरह का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप लोगों के भी पुण्य कर्म है, तो इस टाइम पे मुझे लगता है हमें सबको सिर्फ राममय होना चाहिए और सिर्फ उसी पे ही फोकस करना चाहिए। रास्ते में देखा होगा सड़कों मैं कुछ महीने पहले भी आई थी अपनी फिल्म की एक इवेंट के लिए, और वहाँ पे अचानक से एयरपोर्ट आ गए हैं, अचानक से इतना सब कुछ हो गया है। तो हमारे जो भी ऑर्गेनाइज जिन लोगों ने किया है, उन लोगों के भी बहुत एक मेहनत कहेंगे या एक उन लोगों ने जोर लगा के जो काम किया है, ये असाधारण काम नहीं है, उनको भी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय सिया राम, जय श्री राम। इधर इधर मैडम को खाला, उनको भी आप आओ ना। भोगा गया, इधर ना जाइए।